हॉस्पिटल ने बोला है कि कमीशन बेस पे नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन बेस पे है। आप 250 का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 5000 तक का अर्निंग कीजिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो में। आप देख रहे थे कि पटना टैक्सी यूनियन के तरफ से रैपिडो कार का अटैचमेंट शुरू हो गया है, और रैपिडो कार का जो अटैचमेंट है वो हमारे कन्हैया जी और धनंजय जी पटना में कर रहे हैं। अगर आप लोगों को रैपिडो में कार अगर अटैचमेंट करवाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप बात करके जो है कार को अटैचमेंट कर सकते हैं। 26 या 27 तारीख को जो है रैपिडो का ओपनिंग हो रहा है पटना के अंदर में, और आइए हम जानते हैं कन्हैया जी से जो क्या प्रोसेस है रैपिडो में कार को अटैचमेंट करने के। कन्हैया जी, जनता जनार्दन को आप बताइए जो क्या प्रोसेस है रैपिडो में कार को अटैचमेंट करने के लिए। रैपिडो में कार अटैच करने के लिए एक मोबाइल नंबर रजिस्टर चाहिए जिसपे बुकिंग आएगा जाएगा। हाँ, और गाड़ी का RC परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस चाहिए, ये कार का चीज़ हो गया, और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और एक बैंक डिटेल चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रहेगा, रैपिडो में आप जुड़ जाइएगा। तो मान लीजिए किन्हीं को अगर कार अटैचमेंट करवाना है तो आपसे संपर्क करके किस स्थान पे वो आएंगे पटना में, थोड़ा सा एड्रेस वगैरह भी आप बता दीजिए ताकि आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को। रैपिडो में अटैचमेंट करवाने के लिए हम लोग एयरपोर्ट से बेली रोड, जो रोड जाती है भवन रोड, अरण्य भवन मोड़ से पहले यहाँ पे जल भवन का पुराना गेट है, वहीं पे हम लोग अटैचमेंट कर रहे हैं। तो एक कार अटैचमेंट करने का कोई शुल्क वगैरह भी आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आप वीडियो में बता दीजिए। नहीं नहीं, अटैचमेंट करने का कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, बल्कि कंपनी बोनस तक देती है। अगर राइडर ड्राइवर अगर बुकिंग मारते हैं, 5 बुकिंग मारते हैं तो कंपनी का अपना प्लान है, कुछ ड्राइवर को बोनस दिया जाएगा। अच्छा, रैपिडो में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और कहीं भी नहीं लिया जाएगा। यानी आईडी बनने के, मैनेजर हमको बोले हैं, आईडी बनने के बाद जब ओपन होगा, लॉन्च होगा, उस कंडीशन में कुछ इंसेंटिव बोनस ड्राइवर को दिया जाएगा राइड करने पे। ऐसा क्या नौबत आ गया जो पटना टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष आज रैपिडो में कार को अटैचमेंट कर रहे हैं, क्या ऐसे प्रॉब्लम आया था? प्रॉब्लम यहाँ कि ओला उबर का बहुत ज़्यादा कमीशन चल रहा है। अच्छा, ड्राइवर जितना जना कमाते हैं उसका समझिए कि एक तिहाई हिस्सा ओला उबर वाले कमीशन के रूप में ले लेते हैं। तो रैपिडो ने अपना लॉन्च किया है कैब, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लॉन्च किया है। अच्छा, उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि 250 रुपया दीजिए और 5000 का राइड तक कोई कमीशन नहीं लगेगा। मतलब कभी भी राइड कभी भी कीजिए तो समझिए कि 250 का सब्सक्रिप्शन लिए तो 5000 तक राइड पे एक भी रुपया कमीशन नहीं कटेगा, और 10000 का राइड अगर आप पूरा कर रहे हैं तो उसमें 500 का सब्सक्रिप्शन है। बस यही बेस मॉडल है उसका। यानी आपके कहने का तात्पर्य है अगर कोई भी पार्टनर जब रैपिडो के साथ अटैचमेंट होकर अपनी कार को चलाता है तो ओला उबर की तरह 25% और 30% कमीशन नहीं देना होगा? नहीं, अभी तक तो रैपिडो ने बोला है कि कमीशन बेस पे नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन बेस पे है। आप 250 का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 5000 तक का अर्निंग कीजिए। यानी 250 रुपया पे करके 5000 रुपया रैपिडो में कमा सकते हैं। अगर आप 10000 का अर्निंग करते हैं तो आपको सिर्फ टैक्स का जो पैसा होता है GST का वो सिर्फ 500 रुपये देना होगा। GST के बाद है, GST सरकार को जाएगी, उसके बाद 500 का सब्सक्रिप्शन वो रैपिडो वाले लेंगे। ये बहुत खुशी की बात है, खासकर उन भाइयों के लिए जो लोग टैक्सी चलाते हैं, क्योंकि अभी के समय में जो है कमीशन के कारण ड्राइवर जो है बर्बाद हो चुके हैं ओला और उबर के चक्कर में। पूरे दिन में जो है 400 से 500 रुपये कमीशन ही पे करना पड़ता है ओला उबर के ड्राइवरों को, जो है अभी के समय में कमाना एक एक रुपया मुश्किल हो गया है। तो इस कठिन परिस्थिति में अगर रैपिडो आ गई है पटना में तो कहीं ना कहीं ड्राइवर भाइयों के लिए अच्छी खबर है, और आप 10000 की अर्निंग पे 500 रुपये देंगे, 1000 की अर्निंग पे आप 250 रुपये देंगे, तो कहीं ना कहीं टैक्सी चलाने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ जो आप लोग हमारे यूनियन में सपोर्ट करके टैक्सी को अटैचमेंट कराएं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन और वीडियो में भी लिंक दे दूंगा, आप कन्हैया जी से बात करके, और धनंजय जी हैं, धनंजय जी से आप बात करके आप अपने कार को रैपिडो में अटैचमेंट करें। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कॉमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।